हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कूज गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज डिनर में डोसा बनाने वाली हूँ। बड़े साइज़ के दो प्याज काटे हैं, धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्ची, और ये है करी पत्ता, और थोड़े से उबले हुए आलू हैं। चलिए हम डोसे के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, एक चम्मच जीरा, और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग से स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद करी पत्ता डालना है और फिर एक एक करके सारे मसाले डालने हैं। मैंने इसमें सरसों डाल दिया है, लगभग एक चम्मच सरसों है। इसके बाद मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, और इसी तरह से एक एक करके सारा सामान डाल देना है। मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है। अब लास्ट में मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये प्याज हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसको भूनते रहना है। प्याज यहाँ पे हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी, आप नमक स्वाद अनुसार डालिए। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, और इसके बाद ये 2 चम्मच मसाला डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड मसाला है, ये किसी भी सब्ज़ी में डालो, ये बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। तो मैंने 2 चम्मच मसाला डाल दिया है, और इसके बाद 2 चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, इधर उधर चला के थोड़ा सा भून लेंगे। बस कुछ सेकेंड के लिए हम इसको भून लेंगे। देखिए मसाला भून गया, अब इसमें आलू डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे। आप आलू को काट के भी डाल सकते हैं या तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैंने यूं ही साबुत आलू डाल दिया है, और बस 2 मिनट के लिए हम इसको यूं ही चलाते रहेंगे और फिर ढक देंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है और आलू हमारे पक गए हैं, अब इनको हम तोड़ लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले से आलू बने हैं, अब इनको हम तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इनको पहले से ही तोड़ के डाल सकते हैं। पहले से तोड़ के डालने में ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने नहीं तोड़ा था, मैंने यूं ही साबुत डाल दिया था। तो ये देखिए अब आलू हमारे ये इस तरह से तोड़ लिए हैं मैंने। ये हमारा डोसे का मसाला तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1 ही चम्मच डालूँगी। तो इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और लास्ट में डालेंगे धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, ताकि ये धनिया हमारे पूरे मसाले में अच्छे से मिल जाए, और इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। डोसे का मसाला तैयार हो गया है, चलिए अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं, चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ये दही लिया है, और 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, और 1 कटोरी ही मूँगफली ली है। ये करी पत्ता है, और ये भी करी पत्ता है कटा हुआ, और ये 2 मिर्ची मैंने ली है, बहुत तीखी नहीं बनानी है, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और लहसुन और घिस के अदरक ली हुई है। तो पहले हम मूँगफली को हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पहले मूँगफली डाल के पीस लिया है, अब हम इसमें ये करी पत्ता डालेंगे, और 2 मिर्ची डाली है मैंने काट के, और अदरक, और ये नारियल का बुरादा, लास्ट में हम इसमें दही डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। यहाँ पे मैं 1 ही चम्मच नमक डाल रही हूँ, कम ज़्यादा होगा तो बाद में डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये चटनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो पानी डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के ये देखिए चटनी पीस के कुछ इस तरह से तैयार हो गई है, ये देखिए। तो चलिए चटनी को तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाला है। मैंने सरसों का तेल ही डाला है, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ, आप इसको पैन भी डाल सकते हैं। तो 3-4 करी पत्ता डाला है मैंने, इसके बाद 1 मिर्ची तोड़ के डाल दीजिए। मैंने 1 मिर्ची डाल दी है, और फिर
इसमें तड़के में राई बहुत ज़रूरी होता है, जैसे करी पत्ता ज़रूरी होता है, वैसे ही सरसों भी ज़रूरी होता है। जब सरसों चिपकने लगे तो उसको हल्का सा हिला के हम पीसी हुई जो हमने चटनी पीसी थी उसको इसी में डाल देंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। इसका लुक कितना सुंदर आया है, कितना अच्छा, जितना ये दिखने में टेस्टी है उतना खाने में भी है। तो चलिए आप ये, हम ये है डोसे का बैटर। इसमें मैंने एक कटोरी उड़द की दाल डाली थी, एक कटोरी चने की दाल और 3 कटोरी चावल भिगा के पीसा था। अभी आधा चम्मच में इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक। और बेकिंग सोडा आप घोल के डालिएगा, मैंने यूं ही डाल दिया है, आप बनाएंगे तो घोल के डालिएगा। और 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने से हमारा डोसा अच्छे से निकल के आ जाता है, चिपकता नहीं है। तो चलिए अब डोसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डोसा बैटर डाल दिया है और इसको हल्के हाथों से फैला देना है। तो ये देखिए मेरी चटनी और डोसा तैयार है। और बस आज के डिनर में बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।